गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग 45वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, वहां तक आ गए हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बात, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, यानी संवेग और वेग की बात कर रहा है और उसके अनुपात। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि द्रव्यमान यानी m मतलब मास। तो द्रव्यमान m बराबर क्या होता है, तो मास बराबर होता है संवेग, यानी संवेग का क्या सूत्र होता है, तो संवेग का सूत्र होता है एम वी इंटू बाई वी या वेग, मतलब द्रव्यमान बराबर संवेग बटा वेग। तो यहाँ कौन उत्तर होगा इसका, तो द्रव्यमान होगा। क्लियर है? और दूसरा क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है। तो हम लोग जानते हैं कि बल, तो बल क्या होगा और एक गुणनफल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान और त्वरण की बात कर रहा है। तो क्या हुआ, बल बराबर, यानी बल बराबर क्या, फोर्स। फोर्स को इसे एफ से, छोटे एफ से हम लोग दर्शाते हैं। और फोर्स बराबर तो मास इंटू त्वरण, यानी मास मतलब क्या हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान है और उसका मूवमेंटम, मतलब कि वो द्रव्यमान किसी मास को हम लोग कितना दूर तक कोई व्यक्ति उसको घसका सकता है, तो वही क्या कहेगा, वो बल हुआ। तो ये क्या होगा, बल का गुणनफल बराबर द्रव्यमान और त्वरण का ये गुणनफल होता है बराबर क्या, तो बल। और निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब कौन सी राशि सदिश है, यही इनका पूछने का मतलब है। तो सदिश राशि और अदिश राशि दो चीज़ होता है। सदिश मतलब क्या कि हमें उसमें एक दिशा व परिमाण दोनों चाहिए, और अदिश में कोई इसका कोई आवश्यकता नहीं होता है, मतलब अदिश में अगर कोई एक भी हो तो वो काम कर जाएगा, हमको पता चल जाएगा। तो इसमें से कौन सदिश राशि नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि एक ऐसा बताइए कि जो सदिश राशि, बाकी तीन सदिश होंगे तो सदिश कौन कौन है इसमें, तो विस्थापन, बल और वेग, ये सब के सब सदिश हैं, लेकिन आयतन क्या है, तो ये अदिश राशि है। और अदिश राशि का और उदाहरण तो चाल, मात्रा, ताप, आयतन आदि सब अदिश है। क्यों, क्योंकि इसे हमें किसी दिशा का थोड़े ज्ञान होता है कि किस दिशा में आयतन है, आयतन मतलब है आयतन इतना है, पूर्ण है अपने आप में। वहीं विस्थापन, बल, वेग, ये सब हम समझ चुके हैं, ये तो खास दिशा में ही कार्य करेगा। और एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है, तो एक किलोमीटर दूरी बराबर, ये तो हर कोई जानता है, 1000 मीटर होगा। इस तरह के क्वेश्चन तो कैश क्रॉप रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन मतलब क्या, प्रारंभिक वेग, यानी तो प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होगा, यू एंड माइनस क्या, अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग होता है बटा और समय, यानी समय के साथ त्वरण तो चेंज होते जाता है। त्वरण निगेटिव भी हो सकता है, त्वरण पॉजिटिव भी होगा। त्वरण निगेटिव है तो उसको हम लोग कहेंगे मंदक, वहीं अगर पॉजिटिव है तो उसको कहेंगे वो एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो इसमें से खोजते हैं इस तरह का कौन सा मिलेगा, तो यही है, क्या होगा, ए माइनस एक्सेलरेशन बराबर वी माइनस यू बाई टी, यही इसका सही उत्तर है। और दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्द के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो श्रृंग और गर्द मतलब ये दो, एक और दो, ये दोनों क्या है, ये दोनों श्रृंग है। वहीं गर्द, अगर ये भी तो इस तरह से आगे साइकिल जाएगा तो एक ये एक गर्द हो गया, तो इनके बीच में क्या, तो एक तरंग दैर्ध्य इसी तरह से चलता है। तो ये क्या हो गया, तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्द के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होगा, तो हर्ट्ज होता है। और तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग होता है, तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग। और निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होगा। हम लोग जानते हैं कि रेडियो धर्मी तत्व से कितने तरह के आवेशित किरण निकलती हैं, तो तीन, कौन, तो अल्फा, बीटा एंड अल्फा, बीटा एंड गामा, ये एक्सरे की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो क्या होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा, बीटा निगेटिव होता है और गामा ये न्यूट्रल होता है।
क्लियर है। अल्फा सबसे तेज चलेगा तो क्योंकि ये सबसे हल्का होगा, इसमें सबसे इसका में ऊर्जा सबसे कम होगा। वहीं गामा सबसे स्लो चलती है तो इसमें ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और बीटा क्या है, तो बीटा ये निगेटिव होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान बराबर हम लोग जानते हैं इसका मास यानी वेट, मास सॉरी हाँ मास, तो मास बराबर क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अर्थात अगर ये द्रव्यमान आ गया यानी मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना होगा, दो चार। वहीं अगर इसकी संख्या हो जाए तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या होती है। तो प्रोटॉन अगर दो है तो इलेक्ट्रॉन भी दो होगा और इसका परमाणु संख्या भी या क्रमांक भी कितना होगा, तो दो होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? ये धातु की बात कर रहा है, मतलब हम लोग जानते हैं कि SPDF ये सब क्या है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन के रूप संरूपण है। मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई नाभिक होगा, नाभिक इस तरह से, तो इसमें दो ही चीज़ हो सकते हैं, कौन, या तो न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन, यही दो होंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इसके बाहर ये इस तरह से चक्कर काटते रहता है, ये सब सब इलेक्ट्रॉन है। तो इनका एक क्रम विन्यास होता है, पहला जो क्रम होगा पहला ये जो न्यूक्लियस होगा इसका ऑर्बिट होगा, मान लीजिए ए ऑर्बिट, इसमें दो होगा, दूसरे वाले में आठ होगा, दो आठ, उसके बाद वाले में 18 होगा, तब अगले वाले में 32 होगा, यही क्रम जाते जाता है। और यही क्रम क्या होता है कि ये फिक्स होता है, मतलब 2, 8, 18, 32 वाला जो SPDF है ये अस्थाई है। मतलब इस तरह की प्रकृति को प्रत्येक धातु या तत्व प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसमें वो साम्य अवस्था की स्थिति में चला जाता है, वो उसके लिए एकदम परफेक्ट स्थिति है। तो इलेक्ट्रॉन संरूपण क्या होगा धातु का, तो इसमें कुछ जो दिया हुआ है इसके अनुसार से 2 और 8 एवं 2, 8, 8, और 2 डबल 8, 8 है, तो ये अक्रिय गैसों के लिए हो जाएगा। वहीं तो अक्रिय गैस के लिए कौन, सी वाला हो जाएगा। और 2, 8, 7 है, मतलब ये 7 है, मतलब ये एक लेगा किसी से तब नहीं 8 पूरेगा, तो ये भी ऋणात्मक हो गया। लेकिन ये किसका, तो ये क्लोरीन का है, ये इलेक्ट्रॉन बंद है। और तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म होता है, किसका, तो तीसरे और चौथे, तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होगा, तो बेसिक और एसिडिक दोनों होगा, यानी वो अम्ल और क्षार दोनों होगा। बेसिक मतलब क्षार पदार्थ जिन्हें, और ये कैसे होंगे, जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, तो क्या होंगे वो क्षार, और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, कौन, तो बेसिक पदार्थ। तो कौन होगा इसमें, तो क्वेश्चन के अनुसार ऑक्साइड का समान गुणधर्म वो बेसिड होगा और एसिडिक, यानी ये उभयधर्मी की बात कर रहा है, बेसिक होगा एसिडिक होगा, यानी इसका उत्तर सब होगा, ये उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? अगर इसके बाह्य कक्षा में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब क्या होगा, अब तो अगर 8 प्राप्त करना चाहेगा, यानी ये 4 किसी को दे भी सकता है और 4 किसी को ले भी सकता है। दे देगा तो ये धनायन हो जाएगा, अगर ले लेगा तो ये ऋणायन हो जाएगा। अब बात हो रही है कि ये हाइड्रोजन के साथ, अगर इसके यौगिक का इसमें कौन सा सूत्र होगा अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करे, तो क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होगा कि हाइड्रोजन में तो हम लोग जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत माइनर है, सिंगल है बेचारा, अब क्या होगा, तो उसका यही सूत्र होगा, एक्स वो तत्व हो जाएगा इंटू एक्स फोर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सल्फा हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फा हेक्सा की बात कर रहे हैं, हेक्सा फ्लोराइड, तो हेक्सा फ्लोराइड मतलब, हेक्सा मतलब क्या होगा, ये अष्टफलकीय होगा, यानी इसी तरह ये डमरू वाला जो होता है ना, मतलब अष्टफलकीय मतलब क्या, उसके 8 फलक होंगे, तो क्या होगा ये, इसका उत्तर यही अष्टफलकीय। और सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक कहाँ से निकलता है, प्रायः तो यह ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली विभिन्न गैसों में पाई जाती है। और टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? अब आ गया टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। तो टेलीस्कोप की खोज कब, तो गैलीलियो ने, और कब, तो 1609 ईस्वी में। और कोपरनिकस ने
तो कोपरनिकस की थ्योरी को दोहराया था। किसने? तो गैलीलियो ने। और इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज का आविष्कार रॉबर्ट बर्दर्स ने। कब? तो 1903 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं 15। कशेरुकु रज्जु में कितनी जोड़ी यह तंत्रिका निकलती है? कशेरुकु रज्जु यानी स्पाइनल कोड की बात कर रहा है। तो कशेरुकु तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार है, जो मध्य में स्थित होता है, मतलब कि हमारे मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है, और इसमें इसी तरह छोटा 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 टुकड़ा रहता है अटैच। तो इसमें छोटी छोटी 33 हड्डियाँ होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुक कहा जाता है। तो क्या हो गया? 33 हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 16वां क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? मतलब प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि अगर कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो हमारे शरीर में, जैसे कि अगर कहीं एकाएक चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो उस तरह का निर्णय कहाँ से मिलता है? तो वो सब कशेरुकु रज्जु 16 तंत्रिका तंत्र से होता है वो सब। सॉरी, गलत चीज यहाँ पर मार लगाया गया है। उसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र क्या है? एक यह है एक जटिल प्रणाली है जिसके अंतर्गत तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मेरु रज्जु स्थित होती है। और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अवयव है, और मस्तिष्क के अगले भाग को परमस्तिष्क कहा जाता है। और परमस्तिष्क सभी संवेदनाओं, ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धि विवेक आदि का नियंत्रण करता है। तो इसका उत्तर कौन होगा कि प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन फोर्स, तो यही होगा तंत्रिका कोशिका। और थायराइड ग्रंथि में थायराइड स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है, तो इसका उत्तर है यही TSH। क्या? तो TSH। तो थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन को क्या कहते हैं? तो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया तो अंड वाहिनी में होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ? तो अंड वाहिनी में होती है। और निषेचित अंड यानी जाइगोट गर्भाशय श्लेष्मा म्यूकस में जाकर स्थापित हो जाता है एवं शिशु का निर्माण होता है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो हर को जानता है जयपुर, गुलाबी नगरी। और गुजरात की राजधानी? तो गांधीनगर। और लिब्राहम कमीशन जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये है बाबरी मस्जिद, जिसमें अडवाणी जी का नाम था। आगे बढ़ते हैं। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसका अध्यक्ष तो ये थे एम एन वेंकट चलैया। इन्होंने क्या? तो संविधान समीक्षा आयोग था, ये अब रेलिवेंट न रहा। आगे बढ़ते हैं। अमिता रॉडी के किसकी लेखिका हैं? तो ये तो पुरानी किताबें हैं। तो अमिता रॉडिक, इन्होंने लिखा क्या? बिजनेस एज अनयूजुअल। और आगे बढ़ेंगे। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। अब तो नहीं पूछा गया है इधर, लेकिन कहीं कभी पूछ दे। और आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल देने का अधिकार किसका है? ये वर्तमान में भी रिलेवेंट है, तो ये है चुनाव आयोग का अधिकार। और कहाँ लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 324 के अधीन चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं दो ही प्रकार के होते हैं, या तो राष्ट्रीय दल होंगे, या क्षेत्रीय मतलब राज्य स्तरीय दल होंगे, और या रजिस्टर्ड दल होंगे, तीसरा कोई नहीं होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश का नया ICC चैंपियन ट्रॉफी का सितंबर 2002 में मेजबानी करेगा? अरे बाबा, अब भी कहाँ होगा वर्तमान में, ये कमेंट करें। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर कौन सा है? ये मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब क्या कि हमें करना चाहिए। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके? तो सवर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर। और इसमें क्या था? यही हम लोग अपने उसमें करना है, होगा, यही तरह के बात है। तो क्या है कि इसमें 51A जोड़ा गया है और भाग 4A में है। और इसमें क्या था? 51A(f) में कहा गया है क्या कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना ही हमारा मूल कर्तव्य होगा। और चोगम,
चौगा महत्वपूर्ण है। चौगा मतलब क्या, जब कॉमनवेल्थ गेम हो, कॉमनवेल्थ आयोजन होता है, यानी वैसे देशों का समूह जो जिन पर इंग्लैंड ने कभी शासन किया था, उनका एक अपना संगठन है, उसमें लगभग अभी वर्तमान में 54 देश है और मालदीव छोड़ दिया था, फिर वो रिटर्न आ गया है, तो उसी चौगम, उसको जो हेड समिट होता है उसको क्या कहा जाता है, चौगम। तो इस बार कहाँ हुआ था, इससे पहली बार तो इंग्लैंड में हुआ था, और 2020 में कहाँ होगा, तो 2020 में रवांडा में होगा, और 21 वाला कहाँ होगा, तो समोआ, 21 नहीं वो 2022 में, तो कहाँ होगा, समोआ में, मतलब ये प्रत्येक दो वर्ष में हुआ था, तो 2019 में इंग्लैंड में, 2021 में कहाँ होगा, तो रवांडा में, और 23 में तो समोआ में। और मार्च 2002 में इस्लामाबाद में क्या हुआ, तो सार का मुख्यालय कहाँ है, इतना याद कीजिए, तो यह है काठमांडू में। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, तो बिहार राज्य के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करें, ये हमें न मालूम है। और अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन कहा जाना जाता है, तो उसका नाम था ऑपरेशन एनाकोंडा। और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समकक्ष है, नहीं अब था, अब गया इसे, अब तो राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, वहाँ पर अब मस्जिद का निर्माण हो नहीं, अब वहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो कहाँ से, तो बिहार से, राजेंद्र प्रसाद। और भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय, तो यही इसका नाम है, क्या नाम है, तो मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, तो हैदराबाद, यानी आंध्र प्रदेश में, अब हो गया तेलंगाना में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2002 में अदालत की अवमानना के दोष में सजा दी गई थी, तो ये तो बार बार चर्चा में रहते, कौन थे, अरुंधति राय। और विश्व उपभोक्ता दिवस, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को। हाँ, अब एक आगे, ये 41 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, क्या कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, तो पटना नगर पालिका में इस समय वार्डों की संख्या 72 है। और आगे बढ़ते हैं, जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है, ये महत्वपूर्ण है, इनका नाम है एइको, क्या एइको, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना राजसी ठाठवाट छोड़ दिया और छोड़कर आम आदमी की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। और भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, अभी तो भदौरिया जी हैं, हर कोई जानता है। नई दिल्ली और पटना के बीच फरवरी 2002 में चलने वाली दुरंतो रेलगाड़ी, तो अब तो क्या, तो अब तो ट्रेन 18 चल रहा है, वो क्वेश्चन आएगा कि वंदे भातरम क्या नाम है। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के स्वराज्यपाल हैं, अब तो स्वराज्यपाल नहीं है, इसमें राज्यपाल है कौन, तो फागु चौहान है। और बिहार का बकाया ऋण तो उस समय 67,000 करोड़ था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में तो इसकी कोई भी खास जानकारी नहीं है, क्योंकि बिहार का GDP अभी प्लस सरप्लस इकोनॉमिक है बिहार में। और विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एबिलिम्पक्स, या हम लोग सुनते हैं उसको कि पैरा ओलंपिक, क्या, तो विकलांगों के लिए ही ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। और फरवरी 2002 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को, ये भी बहुत चर्चा में है, क्योंकि इनमें एक अली जिना का फोटो था, उसको हटाने के लिए विवाद चल रहा था। और निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के राज्यसभा के लिए चुने गए थे, तो ये तो अभी भी वर्तमान में राबड़ी देवी है, तो ये बिहार विधानसभा में विधान परिषद से ही ना आती है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर का भी हाल ही में हुआ है, जिसमें किसको मिला था ऑस्कर अवार्ड, तो द पैरासाइट्स, याद कीजिएगा, सबसे अच्छी फिल्म इसका कौन है, तो द पैरासाइट्स। और अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, यह अच्छा क्वेश्चन है। और इसकी अध्यक्षता कौन, तो मोगलीपुत्र तीस ने, और ये तीसरा था अपने क्रम का। और सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, तो सुंग के बाद कन्नौ ने शासन किया था, और कन्नौ के संस्थापना कौन, तो वासुदेव ने किया था, और कन्नौ के बाद सातवाहनों का राज आता है। और कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, तो कुमार संभवम के लेखक तो यह कालिदास। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो है राजनैतिक जीवन है। और तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के में किस वंश का राज स्थापित हो गया था, तो यह सैयद वंश, इसके प्रमुख नेता तो ये थे खिजर खां। और कब, तो 1414 की बात है, और ये ज़्यादा दिन नहीं चला था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे,
तो सबसे अधिक गुलाम गुलाम किसके, तो ये हैं फिरोज शाह तुगलक के। और कब, तो इसमें लगभग 180,000 गुलाम थे। और इसने तुगलक ने दीवान ए बंदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी चलाया था। और निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था, तो कौन, तो यही था जिसको कहा जाता है घृणित कायर, कौन, तो फारूक सियर, याद कीजिए फारूक सियर ने। तब तो कब, तो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जॉन समरन के नेतृत्व में एक दूत मंडल कहाँ, तो फारूक सियर के दरबार में भेजा गया था। इस दूत मंडल में कौन कौन लोग थे, तो विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन तथा ख्वाजा सेहुर्द नामक आर्मेनियाई द्विभाषिया भी था। और होता क्या है कि खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था कौन, तो फारूक सियर, इसको ये डॉक्टर इलाज करते था कौन, तो उसका नाम क्या था सर्जन का, तो विलियम हैमिल्टन। और इसे खुश होकर उसने क्या किया, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशेषाधिकार दे दिया जिसको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। और कौन जारी किया, तो यही फारूक सियर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, तो यही फिरोज शाह तुगलक। और इसका नाम क्या रखा इसने, तो फिरोज शाह तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक मानते हैं, परंतु उसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में रोजगार दफ्तर खोल दिया था। और फिरोज तुगलक ने बहुत सारे शहर, जैसे आज हम देखते हैं हिजार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगर आदि सब, कौन, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। और 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो इनका नाम है गालिब। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो यही है मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन पर अंग्रेजों ने इनाम भी लागू कर दिया था कि इनको पकड़वाओ तो उनको इनाम देंगे। और ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये फैजाबाद यानी अयोध्या से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, तो है अल्मीरा पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय थे। हम लोग जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली में अपनी व्यापारी कोठी खोली। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली बनकर वायसराय बना। और इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद, आ गया क्वेश्चन, यानी बंगाल का उप दीवान किसे बनाया था, तो हैं मोहम्मद रजा खान। और बिहार के थे सिदाब राय। और निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से आयोग होते हैं, पील आयोग। क्या नाम का, पील आयोग। और इसमें क्या कर दिया गया कि पहले भारतीय और अंग्रेज आधे आधे यानी 1-1 के या 1-2 में थे, मतलब एक अंग्रेज और दो भारतीय, अब उनकी संख्या घटा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है, तो गोखले, नौरोजी और एस एन बनर्जी, सब तो नरम पंथी हैं, तो गरम कौन है इसमें, तो अरविंद घोष, ये गरम पंथी हैं। और नरम पंथी में बहुत सारे नेता आते हैं, मतलब दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक। वहीं बाल गंगाधर तिलक तो ये गरम दल में आ गए। और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम पंथी हैं। इनको क्या कहा जाता था, तो लाल बाल पाल। और महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो ये है मल्लो का क्या, तो पावापुरी में हुआ था। कब, तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये महल में मरे थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है बोधगया। और निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे, कब, तो 1956 की बात हो रही है, तो यह है पूर्णिया और मानभूम का जिला। और गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने दिया था, तो यह है कनिष्क। आगे बढ़ते हैं, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इस घटना को क्या कहा गया, तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया बिहार के बोध गया में नाम का स्थान में पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में आठवें दिन उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और यहीं पर वो महाबोधि मंदिर बना हुआ है। और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यह है रांची यानी हुंडरू में है, इस क्वेश्चन के अनुसार हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो में पाई जाती है। और विश्व का सबसे कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कौन होगा? जहाँ पर अधिक लकड़ी होंगी और मुलायम लकड़ी कहाँ होंगी? जहाँ का तापमान ठंडा होगा, यानी ये कनाडा की बात कर रहा है। और शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल तो यह है मूंगफली। क्या? तो मूंगफली, और यह खरीफ फसल है। और भारत में मूंगफली सबसे अधिक कहाँ? तो महाराष्ट्र में होता है, सॉरी मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन वर्तमान में गुजरात ने यह स्थान हासिल कर लिया है। और चौथा नंबर, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी पूरी घूम जाती है, मैं कितनी दूरी तय कर देगी एक मिनट में? तो एक मिनट में 28 किलोमीटर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में मिलेंगी? ये सबके सब फोल्डेड माउंटेन यानी वॉलिज पर्वत में मिलेंगी। और हिमालय क्या है? तो नवीन वॉलिज पर्वत है। और 76 नंबर, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी लंबाई तकरीबन, तो लगभग उस समय तो 64 था और 40,000, और इस समय कितना है वर्तमान में? तो वर्तमान में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारे जोर शोर से निर्माण कार्य चल रहे हैं। और कहा जाए अभी तो अभी राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे को मिलाकर लगभग 1,00,000 किलोमीटर, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 77,000 किलोमीटर में 70,000 किलोमीटर से अधिक में इसका विस्तार हो चुका है। और यह देश के कुल यातायात में, मतलब लंबाई के हिसाब से इसका 2% हिस्सा है, लेकिन यातायात में 40% से अधिक ही भागीदारी रखती है। और भारतीय प्रमाणिक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच GMT में अंतर पाया जाता है। कितना? तो 5.5 घंटा। कैसे? तो भारत का और ग्रीनविच से कितना अंतर है देशांतर? तो हम लोग 82.5 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 गुना 4 कर दीजिए तो आपको 5.5 घंटा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का हिस्सा, तो वन का हिस्सा अभी कितना है भारत में वन क्षेत्र? तो अभी वर्तमान में है अभी वन आवरण 24.56%। क्लियर है? और भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर है? तो ये सतलज नदी के ऊपर है। सतलज कहाँ? तो पंजाब में है। और 80 नंबर, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? कौन? तो असम। तो ये असम कितने से घिरा है? तो असम एक असम की सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है, यस मिलती है, तो ये 7 होगा, आंसर सही है। और 81वां, तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 37 द्वीप हैं। और आगे बढ़ेंगे, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक तो हर कोई जानता है उत्तर प्रदेश। और 83 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनगणना तो पाया जाता है? तो वर्तमान में अभी अपना बिहार है। और झारखंड का लौह वायु उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम यानी जमशेदपुर है। और त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर यानी गंडक से संबंधित बात हो रहा है, तो ये गंडक नदी की बात हो रही है यहाँ पर। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी, तो ये अल्मीनियम उद्योग से संबंधित है मुरी। और मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर? तो ये सब बराकर नदी पर बांध बनाए गए हैं, जो दामोदर घाटी परियोजना के अंग हैं। और भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की, सॉरी भारत में नहीं, ये बिहार की बात कर रहा है, तो बिहार में 2014-15 तक 4320 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था। कितना? 4320 किलोमीटर। और आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे वाले क्वेश्चन ये अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। और आशा करते हैं कि अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।